Topic Lesson 1, Lecture 2 Simplicity and Humility of Hazrat Muhammad Class 10 Subject English. English book for Class 10, page number 2, paragraph number 3. Ammar ibn Haris, one of Hazrat Muhammad's <inaudible> companions, said that when Rasul died, he left neither money nor anything else except his white riding mule.

हिज़ वाइट राइडिंग म्यूल सिवाय अपने सफ़ेद खच्चर के हिज़ आर्म्स आर्म्स मीन हथियार एंड पीस ऑफ लैंड और एक कतः ज़मीन के विच ही लेफ्ट टू चैरिटी जो उन्होंने खैर के लिए छोड़ी थी नाउ कमिंग टू इमेटिक ट्रांसलेशन उमर इब्न हारिस जो कि हजरत मोहम्मद सल वम के एक सहाबी थे उन्होंने फरमाया जब रसुलपाक वसम्म ने वफ़ात पाई आप ना दौलत छोड़ी ना कोई और चीज़ सिवाए एक खच्चर कुछ हथियार और एक कतः जमीन के जो आप ने खैरा कर दी हजरत मोहम्मद लिव्ड दिस हार्ड लाइफ टिल ही डाइड द मुस्लिम्स ट्रेजरी वॉज एट हिज डिस्पोजल द ग्रेटर पार्ट ऑफ अरेबियन पैनसिलाज मुस्लिम एंड द मुस्लिम वर विक्टोरियस आफ्टर ऑफ हिज मिशन हजरत मोहम्मद लिव दिस हार्ड लाइफ उन्होंने मुश्किल जिंदगी गुजारी ट ही डाइड अपनी वफात तक ऑल दो अगर चे द मुस्लिम ट्रेजरी वॉज एट हिज़ डिस्पोज़ल हती कि मुसलमानों का ख़जाना उनकी दस्तरस में था उनके अख्तियार में था मुस्लिम ट्रेजरी ट्रेजरी मीन्स खजाना डिस्पोजल उनके अख्तियार में था उनकी दस्तरस में था द ग्रेटर पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनसुला पेनसुला मीन्स जजिया नुमा अरेबियन पेनसुला जजीरा नुम अरब का ज़्यादातर हिस्सा मुसलमान हो चुका था एंड द मुस्लिम्स वर विक्टोरियस और मुसलमानों को फतह हासिल हो चुकी थी आफ्टर एटीन इयर्स ऑफ हिज़ मिशन अठारह साल की मिशन के बाद या जदोजहद के बाद नाउ कमिंग टू इडमेटिक ट्रांसलेशन हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने मुश्किल अपनी वफा तक मुश्किल ज़िंदगी गुजारी अगरचे मुसलमानों का ख़जाना आपके अख्तियार में था जज़ीरा नुमा अरब का ज़्यादातर हिस्सा मुसलमान हो चुका था और मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन या उनकी कोशिशों की वजह से 18 साल बाद उन्होंने फ़तह हासिल की फ़तह हासिल कर चुके थे डिस्पाइट हिज रिस्पांसिबिलिटी एज़ नबी अ टीचर अ स्टेटमेंट एंड अ जज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्मूज़ टू मिल्क हिज़ गोट मेंड हिज़ क्लोथ्स रिपेयर हिज़ शूज़ एंड हेल्प विद द हाउस होल्ड वर्क ही यूज़ टू विज़िट एलिंग यहाँ तक इसकी ट्रांसलेशन करते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्पाइट हिज़ रेस्पांसिबल्टीज़ डिस्पाइट हिज़ रेस्पांसिबलिटी नबी की ज़िम्मेदारियों के अलावा अ टीचर एक टीचर एक स्टेटमेंट सियासतदान एक जज के तौर पर इन तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद हज़रत महमद्स यूज टू मिल्क हिज गोट मिल्क हिज गोट अपनी बकरी का दूध धोते थे अपनी बकरी का दूध निकालते थे mend हिज़ क्लोथ्स कपड़ों की मुरम्मत फरमाते थे रिपेयर हिज कपड़ों के पेवन लगाते थे रिपेयर हिज शूज़ और अपने जूतों की मरम्मत करते थे एंड हेल्प विद द हाउस होल्ड वर्क और घरेलू कामकाज में भी मदद फरमाते थे ही यूज टू विज़िट एलिंग ailing एलिंग persons, ailing persons बीमार लोग एंड एक्सोटिड और नसीहत फरमाते थे ऑल मुसलिम टू डू लाइक वाइज और तमाम मुसलमानों से ऐसा करने की नसीहत फरमाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों की बीमार पुरसी यादत के लिए जाते थे और तमाम मुसलमानों को ऐसा करने की नसीहत फरमाते थे ही ऑल्सो हेल्प हिज कम्पनींस इन डिगिंग ट्रेंच बाई मूविंग सैंड विदम ही ऑल्सो हेल्प हिज कम्पेनियंस उन्होंने अपने साथियों की मदद फरमाई थी इन डिगिंग डिगिंग खोदना ट्रेंच खंदक बाय मूविंग सैंड विद देम रेत हटाने में उन्होंने मदद फरमाई थी गज़बा खंदक की बात है जब खंदकें खोदी जा रही थीं तो तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहाब कराम के साथ खंदक खोदने में और रेत को हटाने में मदद फरमाई थी Whenever he visited a person, he would first greet him and then take his permission to enter the house. जब आप वसल्लम किसी से मिलने जाते तो आप सल्लल्लाहु सलाम पहले करते सलाम करने में पहल फरमाते और फिर उसकी इजाज़त लेकर उसके घर में दाखिल होते ही एडवाइज़ द पीपल टू फॉलो दिस एडिकेट एंड नॉट टू गेट अनोयड

बंदा या मुतल इंसान वॉज बिजी मसरूफ़ हो अदरवाइज एंड डिड नाट मीन एनी डिसरस्पेक्ट और उसका मकसद किसी की तोहन करना ना हो नाउ कमिंग टू एडियमेटिक ट्रांसलेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसम ने लोगों को नसीहत फ़रमाई कि वो ये आदाब इख्तियार करें और अगर कोई इजाज़त देने से इनकार करे तो गुस्से का मुज़ाहरा ना करें क्योंकि इम्कान हो सकता है कि मुतल फ़र्द मसरूफ़ हो और उसका मतलब आपकी तोहिन करना ना हो। हज़रत मोहम्मद सल्हलम वॉज़लवेज़ द फ़र्स्ट टू ग्रीट एन अदर एंड वुड नाट विदड्रॉ हिज हैंड फ्राम अ हैंड शेक टिल द अदर मैन विदड्रू हज़रत मोहम्मद सल्ले सलाम करने में हमेशा पहल फरमाते थे एंड वुड नाट विदड्रॉ पीछे हटाना हाथ खींचना हिज़ हैंड फ्राम अ हैंड शेक हैंड शेक हाथ में लाते वक्त एंड टिल द अदर मैन विड ड्रू पीछे खींच लेना इडोमेटिक ट्रांसलेशन हज़रत मोहम्मद सल्सम हमेशा पहले दूसरों को सलाम करते थे और उस वक्त तक हाथ वापस नहीं खींचते थे जब तक दूसरा शख्स अपना हाथ ना हटा ले

ही केम टू देम हीस केम टू दैम दे डिड नाट स्टैंड अप वो नहीं खड़े होते थे फॉर हिम बिकॉज ही हेट दे फिर भी जब कभी आप तशरीफ़ लाते तो वो आप की तज़ीम के लिए खड़े नहीं होते थे क्योंकि आप को उनका तज़ीमा खड़े होना पसंद नहीं था

हु हैड रेयर्ड जोने परवरिश फरमाई रेयर्ड मीन्स परवरिश फरमाई इन फैंसी बचपन में स्प्रेड बिछा देना हिज ओन शीट फॉर हर अपनी चादर बिछा देना ही स्टूड हू रिशीव हर वेटनर्स आप सल्हस अपनी रज़मा या अपनी दाइया से मिलने के लिए खड़े हो जाते जिसने बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए अपनी चादर भी बिछा देते थे हिज फॉस्टर सिस्टर गिव हिज फॉस्टर सिस्टर वॉज गिवन द सिमिलर ट्रीटमेंट फॉस्टर सिस्टर रजाई बहन वेट नर्स के औलाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई बहन भाई कहलाते हैं हिज़ फॉस्टर फॉस्टर सिस्टर, सिस्टर रजाई बहन वॉज गिवन द सिमिलर ट्रीटमेंट उसके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाता था दिस वॉज एंड फॉर टूडे नाउ कमिंग टू एक्टिविटी प्रैक्टिस ऑफ एडिमेटिक ट्रांसलेशन लर्न ग्लॉसरी थैंक यू स्टूडेंट्स